वो शादीशुदा जोड़े जो मुसलसल कई सालों से, कई बरसों से, कई महीनों से किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी बरकत के लिए खुदा के आगे झुके हुए हैं, लेकिन उनको यूं महसूस होता है कि उनकी दुआओं का जवाब उनको नहीं मिल रहा। हम इसी पे गौर करेंगे कि क्यों दुआओं का जवाब मिलना बंद हो जाता है, क्यों दुआएं कबूल नहीं होती हैं, क्यों दुआएं रुक जाती हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा पवित्र जलाली बाबरकत कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं, थॉट ऑफ द डे उस पर गौर व खौज भी करते हैं। और आज खुदा के पाक कलाम में से जो मोती, जो खूबसूरत ख्याल, जो थॉट मैं आज आपके साथ बांटने को हूँ वो इंतहाई पहली बात खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारी पाकीजा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए। दूसरी बात, जहां पे खुदा का कलाम बीवियों से मुखातिब है इसी तरह से खुदा का पाक कलाम शौहरों से भी मुखातिब है। और खुदा का कलाम कहता है कि ए शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जरफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। क्यों? ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत बाबरकत थॉट जो खुदा के पाक कलाम से आज मेरे लिए और आपके लिए है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी बरकतें रुक गई हैं, आपकी दुआओं का जवाब आपको मिलना बंद हो चुका है, आसमान आपको पीतल की मानिंद लगता है कि आपकी दुआएं जाती हैं, टकराती हैं और वापस लौट आती हैं और आपको आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत आज सीख मेरे लिए और आपके लिए यह है कि औरतों को चाहिए कि वो अपने अपने शौहर के ताबे रहें और मर्दों को ये चाहिए, शौहरों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ अकलमंदी के साथ बसर करें और औरत को नाजुक जरफ जानकर उसकी इज्जत करें और यूं समझें कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। क्यों? ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अगर आप अपनी दुआओं का जवाब पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बंद दरवाजे यीशु के कुदरत वाले नाम से खुलते चले जाएं, तो मिलकर इस सफर पर गामजन हों। इस अज़दवाजी सफर में एक दूसरे के साथ कम्पीट ना कीजिए, बल्कि मिसाल है कि अगर किसी गाड़ी का टायर, हर गाड़ी जो है या वो दो पहियों पे चलती है या चार पहियों पे चलती है, या मेरे मुल्क में एक गाड़ी ऐसी भी है जो तीन पहियों पे भी चलती है, किसी भी गाड़ी को आप ले लें, अगर आप उसके एक टायर को बाकी टायरों से फर्क लगा देंगे, अगर किसी रिक्शा में आप दो टायर रिक्शा के हों और एक आप ट्रैक्टर का लगा दें तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से शायद चल भी जाए लेकिन वो रफ्तार और वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा जो उससे होनी। बी वॉचफुल, बी वाइज, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां खुदा के हाथों में दीजिए और शादी ब्याह के मामलात में खुदा की मर्जी को जाने बगैर कभी कदम ना उठाइए। उस साथी का इंतजार कीजिए जो खुदा की तरफ से आपके लिए मुकर्रर है, खुदा की तरफ से आपके लिए बना है, और कन्फर्म कीजिए खुदा की हजूरी में, दुआ में ठहरिए, रोजा में ठहरिए, खुदा की मर्जी को जानिए और फिर उस साथी का इंतखाब। लेकिन सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि मिलकर इस अज़दवाजी सफर में खुदा के पाक कलाम के मुताबिक खुदा के खौफ, खुदा की फरमा बरदारी, खुदा की वफादारी में जिंदगी गुजारिए। अगर आप इस जमीन पर अच्छी नेमतों को देखना चाहते हैं, अगर आप इस जमीन पर रहते हुए खुदा की बरकतों को इंजॉय करना चाहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आमीन। पहला पत्रस तीसरा बाब। ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीजा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें
अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरो, तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर और औरत को नाजुक जरफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। गर्ज सब के सब यकदिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नर्म दिल और फिरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है, और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई हुई है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही चाल चलन पर लान तान करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में तहमुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दहनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। दूसरा सलातीन उसका 6 बाब। और अंबिया जादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचे वो उनके साथ गया और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया, सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काटकर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। और शाह इराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फुला फुला जगह डेरा डालूंगा। सो मर्दे खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां इरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्दे खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया। और ये फक्त एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह इराम का दिल नहायत बेचैन। अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवत गाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगवाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उसे, मालिक हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्दा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है।
और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाही इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ए मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं, मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कुमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और इराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर ना आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह इराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का एक चौथाई पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खलियान से या अंगूर के कोहलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदर वार उसके तन पर टाट है, और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे। और बादशाह ने अपने हजूर से एक शख्स को भेजा, पर उससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज्यादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजा को उसके मुकाबिल पकड़े रहना, क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की आहट नहीं? और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा और उसने कहा कि देखो ये बला खुदावंद की तरह से है, मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? दूसरा सलातीन, उसका 7वां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो, खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम इरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि इरामियों की लश्कर गाह को जाएं, और जब वो इरामियों की लश्कर गाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज इरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इसराइल ने हितियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हाथ पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छिपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम इरामियों की लश्करगाह में गए और देखो वहां ना आदमी है ना आदमी की आवाज,
सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जू के तू हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूँ इरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं, सो वो मैदान में छिपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं और सोचा से निकले तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले, वो तो इसराइल की सारी जुमात की मानद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो सारी इसराइली जुमात की मानद हैं जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए और बादशाह ने उनको इरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें, और वो उनके पीछे यर्दन तक चले गए और देखो सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था जिनको इरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था। सो कासिदों ने लौट कर बादशाह को खबर दी। तब लोगों ने निकलकर इरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। और बादशाह ने उसी सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक पर मुकर्रर किया, और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्दे खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्दे खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था कि कल इसी वक्त के करीब 1 मिसकाल में 2 पैमाने जौ और 1 ही मिसकाल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। और उसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन।